वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो है हम लोगों ने अपने जो है बाकी जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे चैप्टर वन के वो करने हैं। सबसे पहले तो आपका 1.3 वाला न्यूमेरिकल है। 1.3 में उन्होंने कहा है कि आपका जो हेयर है उनकी ग्रोथ रेट जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे है, और आपने जो है इसकी ग्रोथ रेट जो है वो नैनोमीटर पर सेकेंड में जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से जो आपकी सोल्यूशन स्टार्ट हो रही है, रेट ऑफ हेयर ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ जो हेयर की ग्रोथ है उसका एक दिन में जो है वो 1 मिलीमीटर तक जो है वो ग्रोथ है, तो 1 मिलीमीटर पर डे, यहाँ पर ओवर जो है डिवाइड जो है वो पर डे को जो है वो शो कर रहा है। आगे अगर आप लोग देखें तो एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, वन डे हैज़ 24 आवर्स, एक दिन में जो है वो 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो डे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मिनट्स एंड मल्टीप्लाई सेकेंड्स, तो 1 × 24 × 60 × 60, तो हमारे पास जो है वो ये एक दिन के सेकंड्स आ जाएंगे। तो एक दिन में जो है वो ये 86400 जो है वो सेकंड्स होते हैं। आगे आप लोगों ने देखना है कि आपके पास 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻³ - 3। आप लोगों को पता है कि 1 मिलीमीटर जो है वो इक्वल होता है 1 × 10⁻³ - 3 के, तो हमारे पास जो मिली है वो 10⁻³ - 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर जो ये वाला 1 मिलीमीटर है उसकी जगह पे 1 × 10⁻³ - 3 आ गया है, और यहाँ पर जो है एक दिन के सेकेंड्स जो हैं वो 8.64 × 10⁻⁴, क्योंकि जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया है तो पॉइंट जो था वो लास्ट पे था, जब पॉइंट लास्ट पे था तो वो जो है वो 8 के बाद ट्रांसफ़र हो गया, तो जब पॉइंट जो है वो 8 के बाद चला गया तो हमारे पास जो है वो पावर जो है वो 4 आ गई है। तो अब हमारे पास जो है एक दिन के सेकेंड्स 8.64 × 10⁻⁴ हो गए। आगे आप लोगों ने सिंपल इनको डिवाइड करना है, तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1.157 × 10⁻⁸। लेकिन यहाँ उन्होंने हमें कहा है कि आपने आंसर जो है वो नैनो में देना, और नैनो जो है वो इक्वल हो रहा है 10⁻⁹ के। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट है इसको 1 के बाद मूव करेंगे। जब पॉइंट 1 के बाद मूव होता है तो पावर हमेशा माइनस में आती है, क्योंकि पॉइंट जो है वो यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। जब पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है, आगे से जो है वो पीछे की तरफ जाता है, तो आपके पास पावर जो है वो माइनस में आती है। तो यहाँ पे जो पावर है वो 10⁻⁹ आ जाएगी, और 10⁻⁸ वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर आप देखिए आपने दोनों पावर्स को कंबाइन कर दिया, −1 और −8। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो है हम बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, तो दोनों को −1 और −8 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, −9, और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का यानी कि 8 का आएगा। तो यहाँ पर जो है हमने 10⁻⁹ में क्यों चेंज किया −8 से, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि हमें आंसर जो है वो नैनो मीटर पर सेकंड में चाहिए। अब आगे जो है हमारे पास यहाँ पर 10⁻⁹ की जगह पे जो है वो नैनो आ जाएगा और साथ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगला जो आपका एक न्यूमेरिकल है वो है 1.2। 1.2 में उन्होंने कहा है कि हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पीको रिलेटेड टू ईच अदर, कि किस तरह माइक्रो नैनो पीको जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो जो है वो 10⁻⁶ के इक्वल है, नैनो जो है वो 10⁻⁹ के इक्वल है, और पीको जो है वो 10⁻⁻½ के इक्वल है। अब सबसे पहले जो है हम लोग रिलेशन कर रहे हैं बिटवीन द पीको एंड द नैनो, कि पीको और नैनो के दरमियान में क्या रिलेशन है। अब जैसे हमें पता है कि 1 पीको इज़ इक्वल टू 10⁻²² है, और यहाँ पर अब हम पीको जो है वो ब्रेक करके लिख देंगे, −12 को ब्रेक करेंगे −9 और −3 में, तो जब हमने इसको ब्रेक कर दिया तो हमारे पास जो है वो इस तरह इसकी ब्रेकेज हो गई, 1 पीको इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ और −9 और −3। जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये दोबारा से जो है वो 10⁻²² भी बन सकता है। अब आपको याद होगा कि 10⁻⁹ जो है वो नैनो के इक्वल होता है, तो सो यहाँ पर जो है वो 10⁻⁹ की जगह पर जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, नैनो लिख सकते हैं, और 10⁻⁰ × 10⁻³ वैसे का वैसे ही, तो 1 पीको इज इक्वल टू 1 नैनो × 10⁻³। अगला जो हम लोगों ने रिलेशन जो है वो शो करना है, वो शो करना है पीको और माइक्रो के दरमियान में। अब आप देखें
वन पीको इज इक्वल टू 10^-12 है। अब हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं कि -6 -6 में ब्रेक कर दें, तो 1 पीको इज इक्वल टू 10^-6 एंड -6 हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब 10^-6 भी माइक्रो के इक्वल होता है, 10^-6 भी माइक्रो के ही इक्वल होता है, तो 1 पीको इज इक्वल टू 10^-1 माइक्रो मल्टीप्लाई 1 माइक्रो। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका जो है वो थर्ड सेकंड रिलेशन हो गया। अब थर्ड रिलेशन नेक्स्ट हम लोगों ने करना। अब हमारे पास जो थर्ड रिलेशन है वो रिलेशन है नैनो और माइक्रो के दरमियान में। अब 1 नैनो जो है वो 10^-9 के इक्वल होता है। हम 10^-9 को भी ब्रेक कर देंगे जैसे हम लोगों ने पहले किया है। उसको किस तरह ब्रेक किया, -6 और -3 में जब हम इनको ऐड करेंगे तो दोबारा से जो है वो -9 बन जाएगा। अब जब हमने इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर 10^-6 की जगह पर माइक्रो आ जाएगा, तो 1 नैनो इज इक्वल टू 1 माइक्रो मल्टीप्लाई 10^-3 आ जाएगा। तो ये जो है वो तीन डिफरेंट जो हैं वो उसको कह सकते हैं प्रीफिक्सेस के दरमियान में जो है वो ये रिलेशन शो कर रहा है। ओके, आप लोगों ने अब होमवर्क में क्या करना है कि ये दोनों न्यूमेरिकल्स जो हैं सेम प्रैक्टिस में अपनी शीट्स के ऊपर आप लोगों ने करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, कीप डूइंग हार्ड वर्क। अल्लाह हाफिज़।